अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद अयाज रजा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जीमेल अकाउंट हम किस तरह बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके दोस्तों मैं एडोब फोटोशॉप की वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि जीमेल अकाउंट हम किस तरह बनाते हैं इसकी एक वीडियोज़ बना के अपलोड कर दें, तो इस वजह से मैं इस वीडियोज़ को भी बना के अपलोड कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, और दोस्तों जीमेल अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। और हम लोग गूगल की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कोई चीज़ डाउनलोडिंग वगैरह करने के लिए या साइन इन करना पड़ जाता है समटाइम, ठीक है, तो हमें जीमेल अकाउंट चाहिए होता है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में जो भी है, ठीक है, और उस पर सिंपल www.google.com। ओके दोस्तों, जीमेल अकाउंट बनाने के तरीके काफ़ी सारे हैं, ठीक है, मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ओके, हम जीमेल अकाउंट में आ चुके हैं, अपने गूगल में आ चुके हैं, ठीक है। गूगल में साइड में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ साइन इन, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, मेरी ऑलरेडी बनी हुई है कुछ आईडीज, ठीक है, तो मैं एक न्यू आईडी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से करूँगा यूज़ एन अदर अकाउंट। ओके, उसके बाद यूज़ एन अदर अकाउंट, अदर के बाद मुझे जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो है यहाँ पे मोर ऑप्शन का, ठीक है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आए, क्रिएट अकाउंट और नॉट योर डिवाइस। ओके, तो मैं करूँगा यहाँ से क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के बाद यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी जीमेल आईडी भी कहलाती है, ठीक है, अकाउंट भी कहलाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो फॉर्म आ चुका है, ठीक है, इसमें हमें अपना कंप्लीट बायोडाटा डालना होता है, ठीक है, जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो हमें इसमें तमाम डालनी पड़ती है। ओके, जिसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ नेम, ठीक है, तो नेम जो भी हो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ सैयद अयाज। ओके, उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन है वो लिखा हुआ चूज योर यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम वही होगा जो आपकी जीमेल आईडी होगी, ठीक है, मीन्स जीमेल अकाउंट होगा। ओके, तो जीमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो किसी और की नहीं हो, ठीक है, यानी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। ओके, गूगल क्या करता है, पहले पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, आपकी इस आईडी को सर्च करता है, ठीक है, अगर ये नहीं होती, बिल्कुल यूनिक होती है, तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इसको अपने पास ये बना सकते हैं आप। ओके, तो चूज योर यूजर नेम, हम यहाँ पे कुछ भी जीमेल आईडी जो भी आप बनाना चाहें, मैं बनाता हूँ सैयद अयास 2018। ओके, और उसके बाद जैसे ही मैंने 2018 किया तो देखें नेक्स्ट स्टेप पे मैं आ चुका हूँ, यानी इसने सर्च कर लिया है, ठीक है, ये बिल्कुल यूनिक है, सैयद अयास 2018। ओके, तो इसने नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिकली आ चुका हूँ मैं। ओके, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे या तो वो सजेशन देगा कि इसमें से कोई से अगर आप बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं, अदरवाइज अगर बिल्कुल यूनिक होगी तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे आपका जो कर्सर है वो चला जाएगा। ओके, अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है क्रिएट अ पासवर्ड, ठीक है, तो पासवर्ड जो भी आप डालेंगे, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रांग से मुराद क्या है, आपका पासवर्ड, आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास ये डिजिट्स जो होते हैं न्यूमेरिक भी होने चाहिए, ठीक है, यानी आप सिंपल सिर्फ ये ए बी सी डी ई एफ जी नहीं लिखेंगे, ठीक है, और ना ही 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, ठीक है, आप कोई यूनिक पासवर्ड बनाएंगे जिसमें ए बी सी डी भी आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट भी और नंबर्स भी आने चाहिए। ओके, तो मैं पासवर्ड कुछ बना लेता हूँ। ओके, मैंने पासवर्ड बना लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ये मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं कन्फर्म योर पासवर्ड, ठीक है, मैं इसी पासवर्ड को कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड जो भी होगा आपको ये याद रखना है, ठीक है, और आपकी यूजर आईडी जो है इसे भी याद रखना है, ठीक है, इसी से आप बाद में लॉगिन होंगे, ठीक है, साइन इन होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बर्थडे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जनवरी और 1992, ठीक है। अच्छा, अब जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, फेक वगैरह भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा जो भी आप डालेंगे
क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर की एज बननी चाहिए। ओके, अदरवाइज अगर 18 से नीचे होगी तो ये जीमेल अकाउंट आपका बनेगा नहीं। ओके, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जेंडर, ठीक है। जेंडर में क्या है, फीमेल मेल जो भी है आप डाल देंगे, ठीक है। मेल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फोन मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर के बारे में मैं आपको बताऊँ, अगर हम जीमेल अकाउंट बनाते हुए अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, ठीक है, तो हमारी ये जो जीमेल आईडी है हमारे मोबाइल नंबर से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हम अगर हमारी जो भी ईमेल वगैरह आती हैं, ठीक है, तो हमारे मोबाइल नंबर पे भी उसकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके, इसके अलावा जीमेल अकाउंट बना दिया आपने, ठीक है, तो नंबर्स आप अगर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो उस पर एक कोड आएगा, वो कोड आप दोबारा डालेंगे तो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहे तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ योर करंट ईमेल एड्रेस, ठीक है। अगर आपका कोई ईमेल आईडी आपकी बनी हुई है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन क्या है, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, अदरवाइज जो भी कंट्री के आप रहने वाले हैं, ठीक है, उस कंट्री की लोकेशन डाल देंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ये जो जीमेल आईडी बना रहे हैं ये फेक नहीं होनी चाहिए। ओके, आपका तमाम रिकॉर्ड, आपका तमाम डेटा, आपकी जो भी आपने जीमेल अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसमें तमाम के तमाम डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है, सेफ हो रहा होता है, ठीक है। इससे पकड़ भी हो सकती है अगर आप इसको मिसयूज़ करते हैं तो। ओके, तो कोशिश कीजिएगा फेक नहीं होना चाहिए ये। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन, ठीक है, और फिर हमने कर दिया नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, सिंपल नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आगे प्राइवेसी एंड टर्म्स, ठीक है। तो गूगल जीमेल अकाउंट की कुछ टर्म्स कंडीशन है, ठीक है, आप चाहें तो उसे पढ़ भी लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप नीचे आके आई एग्री, ठीक है, पढ़ने के बाद आप इसको आई एग्री कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आई एग्री किया, आई एग्री करने के बाद यहाँ पे आ चुका है वेलकम योर न्यू ईमेल एड्रेस इज सैयद अयाज 2018@gmail.com। ओके, ये मेरी आईडी बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखें सैयद का यहाँ पे एस आ चुका है, ठीक है। अब मुझे अपनी आईडी में जाना है तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, ठीक है, माय अकाउंट में, या फिर मैं यहाँ पे जीमेल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके भी मैं जा सकता हूँ। तो हमारी जीमेल आईडी बन चुकी है। ओके दोस्तों, ठीक है, इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी जीमेल आईडी बन चुकी है, ठीक है। एक मेल भी आ चुकी है मुझे गूगल की तरफ से, ठीक है, ये इसमें मुझे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जीमेल अकाउंट बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है, और प्ले स्टोर वगैरह पे भी जीमेल आईडी चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरह कुछ वेबसाइट पे साइन इन करना पड़ता है, ठीक है, और गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर ज़्यादातर जीमेल आईडी आपको चाहिए होती है साइन इन वगैरह करने के लिए। ओके दोस्तों, अब इसे अगर हमें साइन आउट करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ठीक है, साइन आउट। ओके दोस्तों, अब मैं यही जो अपनी आईडी बनाई है एक दफा मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम दोबारा जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ से हम www.gmail.com या gmail.com, हमने सिंपल gmail.com किया, ठीक है। उसके बाद हमारी आईडी वैसे तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये सैयद अयाज 2018 के नाम से, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपना पासवर्ड, ओके दोस्तों, तो ये आपके सामने जीमेल अकाउंट हमारा दोबारा ओपन हो चुका है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो उस टाइम पे जीमेल अकाउंट मांगते हैं, ठीक है, तो वो आप उस टाइम पे अपनी जो भी जीमेल आईडी होगी वो दे दिया करें, उसके बाद चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं इसी तरह की कंप्यूटर से रिलेटिव सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है, और जो भी मेरी सीरीज चल रही है फोटोशॉप की, ठीक है, उसकी वीडियोज़ बना के अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।